अयूब साहब बताइए कि ये जो स्पोर्ट्स बोर्ड ये जो इस वक्त टूर्नामेंट सलिंग के अंदर जा रहे हैं, जो इंट्रा डिस्ट्रिक्ट टूर्नामेंट है, जो बैनल अजलाई हर बार की टूर्नामेंट गिलगित बल्तिस्तान चल रहा है, क्या देखते हैं इसके? अगर आप ये बता दीजिए कि इसका जो एम्स हैं, इसके मकासद हैं, उस पर ज़रा रोशनी डालिए। हमारा मोहम्मद अयूब असिस्टेंट डायरेक्टर मंजूर स्पोर्ट बोर्ड, हमारा जो सेलिंग टूर्नामेंट का मकसद ये है, यहाँ से हम जी बी की एक बेहतरीन टीम जो नेशनल खेलने के लिए हम जाते हैं, यहाँ से जी बी की जो टीम पार्टिसिपेशन करती है नेशनल की, वो जो पी एस बी की बनी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की बनी, उसके लिए एक बेहतरीन टीम का यहाँ सेलेक्शन, यहाँ ऑलरेडी लोग हमारे टेक्निकल लोग बैठे हुए हैं बाहर, हमारे सारे जो डिस्ट्रिक्ट के खिलाड़ी यहाँ पा गए, उनमें से जो बेस्ट प्लेयर हैं उनकी एक टीम भी सिलेक्ट होगी, ताकि मुस्तकबिल में जब दौड़ में जो हमारे इवेंट होंगे पाकिस्तान में, उसमें फिर हमारी ये टीम यहाँ पे वहाँ से जाकर पार्टिसिपेट करेगी। इस इवेंट को यहाँ इसका मुनक़िद करने का जो अहम जो हमारा इशू है वो ये टूरिज़म के हवाले से, ये पुरामन इलाका हमारा से कदो जो ये ढांची का इलाका है, स्पेशल ये अमन का गुब्बारा है, हमने इसको इसलिए फोकस किया था कि दुनिया के सामने इस इलाके को लेकर आएँ, इतनी खूबसूरत जगह है जो दुनिया की नज़रों से ओझल है, ये सारे लोग देखे कितने अच्छे लोग हैं, और यहाँ पर मैं ये बात ना करूँ तो ये ज़्यादा होगी, मैं घांची और स्पेशल सीलिंग गाँव का शुक्रिया अदा करता हूँ कि इन्होंने यहाँ पे हमें फ्री आपका ज़मीन ये दिया है, और ये स्टेडियम हमारा टूरिज़म स्पोर्ट्स एंड कल्चर डिपार्टमेंट ने हमने खुद तामीर किया, तकरीबन करोड़ों के हिसाब से यहाँ पे खर्चा आया, तो पिछले दिनों हमारे सेक्रेटरी साहब ने यहाँ पे विज़िट किया था, उसने कहा था कि यहाँ पे बेहतरीन इवेंट का इनका होगा, सेक्रेटरी साहब के जो आर्डर थे उसके मुताबिक हमने यहाँ पे इवेंट का इनका किया है, इंशाल्लाह उम्मीद है ये इवेंट बड़ा खुशी से काम पसंद होगा, और यहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है स्पेशल हमारे जो एस एस साहब है कपड़ों के ये कपड़ों वाले, वो हमारे साथ बड़े कोऑपरेट कर रहे हैं, और बाकी देगा जो हमारे डिपार्टमेंट के जो लोग हैं वो दिन रात ये ग्राउंड बनाने में पिच बनाने में मसरूफ अमल हैं, उनकी वजह से ये टूर्नामेंट यहाँ पर इनका करना हमें मुमकिन हुआ है। तो ये बताइए सर कि ग्राउंड की तामीर होकर कई साल गुजर चुके हैं, तो इसके अभी जो हवा क्या यहाँ पे हवा चलने का भी जो है उससे भी शायद आप आगाह होंगे, तो इसको करने के लिए हम तो देख रहे थे कि दरख्त लगाए जाए ताकि हवा की जो असरात है उसको कम से कम किया जा सके, आपने इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई आपकी, या आप फ्यूचर में इस तरफ तवज्जो देना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई जान, हमें ये पता नहीं था कि इसका जो इन्वायरमेंट है ये हवा चलती है किस टाइम पे हवा आती है, अब हम फर्स्ट टाइम आ गया तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जून के महीने में शायद यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है जब ये दरिया। तो ये बताइए सर कि ग्राउंड की तामीर होकर कई साल गुजर चुके हैं, तो इसके अभी जो हवा क्या यहाँ पे हवा चलने का भी जो है उससे भी शायद आप आगाह होंगे, तो इसको करने के लिए हम तो देख रहे थे कि दरख्त लगाए जाए ताकि हवा की जो असरात है उसको कम से कम किया जा सके, आपने इसकी तरफ तवज्जो क्यों नहीं गई आपकी, या आप फ्यूचर में इस तरफ तवज्जो देना चाहते हैं? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं भाई जान, हमें ये पता नहीं था कि इसका जो इन्वायरमेंट है ये हवा चलती है किस टाइम पे हवा आती है, अब हम फर्स्ट टाइम आ गए तो हमें अंदाज़ा हो गया कि ये जून के महीने में शायद यहाँ तो बहुत ज़्यादा तेज़ हवा चलती है, जब ये दरिया बढ़ जाता है तो यहाँ के जो लोकल लोग कह रहे हैं कि भाई यहाँ पे जब दरिया का ऊपर आ जाता है तो फिर यहाँ पे हवा बिल्कुल कम चलती है, हम आइंदे जो हम प्लान करेंगे जुलाई और अगस्त के महीने में इधर प्लान करेंगे जो भी कोई भी इवेंट हमारा फुटबॉल हो क्रिकेट हो, ताकि हवा से हम डिस्टर्ब ना हो, शुरू से हमारा जो मैच थे एक मैच भी अभी इतना पद्धति नहीं हुआ, ये चार दिन का इवेंट हमने चार दिन में इसको ख़त्म करना है, ये जो मौसम के हालत को देख के अंदर हो रहा है हम बड़े डिस्टर्ब हो रहा है। तो दरख्त लगा के लोगों को छाँव देना इसमें आपको कितने खर्चे आएंगे, क्या इसमें मुश्किलात हैं? सर इसके लिए तो ऑलरेडी एक हमारा महकमे जंगलात का एक डिपार्टमेंट है वो ऑलरेडी काम कर रहा है, ये जो हमारा जो मैंडेट है वो सिर्फ खेल खिलाना यहाँ तक है, हमारे पास जो बजट होता है खेल के लिए होता है, दरख्त के लिए अब नहीं होता, अलबत्त हम भी जो एक प्रपोजल अपने सेक्रेटरी साहब के पास रखते हैं, इधर हमें खेल के लिए ग्राउंड के इर्द गिर्द अगर दरख्त हो तो हवा से हम बच सकते हैं, हम यहाँ पे खेलने के लिए हमें आसानी होगी, ये हम भी कोशिश करेंगे, और मकान जंगलात हमारे जो हैं मुकाम वाला उनसे मेरी गुजारिश होगी इधर इर्द गिर्द दरख्त लगाएं ताकि यहाँ खेलने के लिए एक बेहतरीन माहौल हमें फराहम हो। बहुत शुक्रिया सर। सर अच्छा एक सवाल है सर कि यहाँ पे और भी बहुत सारे जगह हैं सर स्टेडियम बनाने के लिए, क्या उनके लिए भी फंड्स आएंगे सर?
सर ये जो फंड्स हैं ये ग्राउंड बनाना, ये यहाँ के हमारे जो नुमाइंदे हैं वो अगर कोई अपने ADP के अंदर स्कीम रख के हमें आर्डर करेंगे तो हमारे डिपार्टमेंट का काम ये है AC1 बना के हमने जमा कर रहा होता है। हमारा अपना कोई बजट होता नहीं है, तो ये हम मेंबर के बजट से ही बनाते हैं। कुछ स्कीमें होती हैं डिपार्टमेंटल, उसमें भी हम ये जो अपने डिपार्टमेंटल स्कीम थी हमने बनाया है, तो आइंदा भी हम कोशिश करेंगे ऐसी कोई स्कीम आ गई तो जहाँ पे खूबसूरत इलाके हैं हमारे उनमें ला के हम कोई ग्राउंड हो, जो भी हो, फुटबॉल ग्राउंड, स्टेडियम हो, अभी क्रिकेट का अल्लाह के फजल से ये पूरे पाकिस्तान में ये बेहतरीन, ये गवादर कहते हैं लोग, गवादर से भी यहाँ पे खूबसूरती, इतना ग्रीनरी है इर्द गिर्द, बेहतरीन ग्राउंड है, इतने खूबसूरत लोग हैं और अच्छे लोग हैं, मेहमान नवाज लोग हैं। मैं तो यहाँ पे एक दफ़ा फिर यहाँ के आवाम का, पूरे गंज के आवाम का, बिलखसूस सिलिंग के आवाम का मैं शुक्रिया अदा करूँगा कि उनके जो ताउन है यहाँ पर हमारे साथ और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का ताउन बहुत शानदार है। ठीक है सर, थैंक यू सो मच सर, शुक्रिया सर।